जो आवाज थी ना वो भैया की थी, ओरिजिनल माइक से आवाज आई। और आपकी क्या बोलते हैं, माचिस की तीली होगी और धागा होगा। बोलेगा वहां से कन्हैया, बोलिए वहां से। वही भैया बोल रहा है। और ये देखो कन्हैया ने कैसे कर लिया, स्टंट करता ही रहता है कुछ ना कुछ। उसी से तरंग सही सीधी आएगी। अभी अभी बस ये सो के उठा है और मम्मी इसके पंखे से हवा करने लगी है। एक ही यहाँ पे बल्ब है, इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं बनाता ना अंदर बनाता। क्या चीज है? हाँ तो ये भैया कह रहे हैं बीज। अबे बीज तो होंगे भाई, अब ऐसे तो पपीते में भी जैसे छुट्टी पड़ी है ना, तो मम्मी ने इसकी बोतल छुड़वा दी। हे गाइस, दिस इज शर्मा, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम को, और शाम हो रही है तो मैं पीने लग रहा हूँ यहाँ पे चाय और अपनी साथ में मट्ठी। ये देखो चाय तो मैंने पी ली है और अब मैं खाने लग रहा हूँ मट्ठी। ये देखो मस्त है, तो स्नैक्स उसका टाइम हो रहा है तो मट्ठी अपने खाने लग रहा है। और अभी क्या बोलते हैं, कन्हैया भी उठ चुका है और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करने लग रहा है। भैया तो नीचे जा रखा है क्योंकि लाइट का यार क्या दिक्कत है, लाइट परेशान करने लग रही है, आती है जाती है, पता नहीं क्या चल रहा है, सुबह से ऐसी करने लग रही है। और अभी फिर भाग गई, अभी आ रखी थी फिर भाग गई। और ये देखो कन्हैया यहाँ पर पीने लग रहा है दूध। और मैं एक बार एक खास बात बताता हूँ यहाँ पर बैठ के, पहले बैठ जाऊँ फिर बताता हूँ। एक खास बात यह है कि पहले है ना कन्हैया है ना बोतल से दूध पीता था, और अभी जैसे छुट्टी पड़ी है ना तो मम्मी ने इसकी बोतल छुड़वा दी और अब ये पीने लगा है गिलास से दूध। और देखो इसने जब स्टार्टिंग में जब पीना स्टार्ट करा ना गिलास से दूध, तो सबको जैसे नीचे से चाचा जी को बुला के लाया, देखो मैं गिलास से पीने लगा। मतलब एक इसको उमा सा हुआ कि हाँ भाई मैंने एक नई चीज़ स्टार्ट करी है। तो वो होता है छोटे बच्चों में कि चलो सही है, अब इसने क्योंकि क्या है ना बोतल से पीने से है ना इसका जो मुँह है ना वो थोड़ा मोटा नहीं होएगा, क्योंकि थोड़ा प्रेशर लगाना होता है दूध खींचने के लिए, तो वो बोतल में एक दिक्कत रहती है, और अब गिलास से पिएगा तो सही रहेगा। ये देखो मस्त पीने लग रहा है यहाँ पर दूध। अभी अभी बस ये सो के उठा है और मम्मी जी इसके पंखे से हवा करने लग रही है। कोई नहीं अभी कन्हैया, मैं करता हूँ अभी लाइट को फ़ोन। पता नहीं क्या दिक्कत है इन्हें, जब तक इन्हें फ़ोन करते ना तभी ये लाइट देते हैं, वरना ऐसे छोड़ते ही नहीं लाइट पत्नी। और देखो पसीने आ जाते हैं। वैसे तो मौसम में थोड़ा फ़र्क है, मतलब ठंडा हो रखा है, धूप इतनी तेज़ है नहीं, हल्की धूप है। और जो भी चैनल पर नया है ये अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, और आप देख के चले जाते हो पूरा व्लॉग, सब्सक्राइब नहीं करके जाते तो इस बार करके जाना। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको दबा दो, साइड में बेल आइकन का आ रहा होगा उसको भी ऑल पे कर दो, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये काम जोर से जाके करो, और ब्लॉग के लिए लाइक का बटन बनता है जाके कर दो। लाइट का मैं अभी फ़ोन करूंगा, पूछेंगे यार कब आएगी, क्या दिक्कत होगी, पता नहीं क्या। कल रात भी ऐसे हो रहा था, आ रही थी जा रही थी, फिर लास्ट में मैंने फ़ोन ही करा, भाई हमारे फ्रिज कूलर फूक जाएंगे यार, ऐसे मत करो, लाइट छोड़ो, है ना। हाँ कन्हैया मस्त पीने लग रहा है दूध, थोड़ा थोड़ा पीता है, थोड़ा थोड़ा, जैसे कि थोड़ा डाला वो पिया, फिर थोड़ा डाला फिर वो पिया, एक बार भी नहीं पीता पूरा गिलास भर के, थोड़ा थोड़ा करके पीता रहता है, खेल करता रहता है एक तरह से। और हाँ मेरी मट्ठी तो रह गई, ये तो मैंने खाई नहीं, चाय तो मैंने पूरी फिनिश डैम कर दी है, बस खाली मट्ठी रह रही है वो खाते हैं। दोस्तों फाइनली अपनी लाइट भी आ चुकी है। जब मैंने फ़ोन करा ना तो वो बता रहे थे कि कहीं फाल्ट हुआ है। अब आप भी क्या हो गया कि फाल्ट होते रहते हैं इनके इधर, अब क्या करें कि जैसे कि कभी ना कभी कभी गिलहरी से हो जाता है, क्योंकि गिलहरी भी तारों पे चलती है, उनसे हो जाता है, कबूतरों से हो जाता है, तो कुछ ना कुछ होता रहता है, पर ठीक हो जाती है और आ भी जल्दी जाती है लाइट। तो बस अभी लाइट आई है, और अभी हम मम्मी ने हमें काट के दिया है वाटरमेलन, मस्त ठंडा ठंडा कलपाजी लेके आए थे, और वो हम खाने लग रहे हैं मस्त यहाँ पे बैठ के। देखो कन्हैया खाने लग रहा है, और कन्हैया अपने लैंग्वेज में खुद बताएगा कि क्या चीज़ है ये, बोलता है ना कुछ अलग ही बोलता है कन्हैया, क्या चीज़ है। और खा भी तो कैसे कैसे रहे, ये खा रहा है चूस चूस के, जैसे होते हैं ना गोला या आइसक्रीम, ऐसे ऐसे खा रहा है वाटर मेलोन। हाँ ये बताओ क्या बोलता है, ये बोलता है वाटर मेलोन, वाटर मेलोन ऐसे करके कुछ बोलता है, अभी बता। हाँ तो कन्हैया ने सही बोला, कन्हैया अपने लैंग्वेज में बोलता है वाटर मेलोन, और जब भी बोलता है ना वाटर मेलोन तो सही लगता है बोलते हुए, मस्त लगता है। और ये रहा भैया यहाँ पे घूमने लग रहा है वाटर मेलोन, बस हमेशा जब भी आता है ना वाओ वाटर मेलोन हमेशा ये बोलता है। आई हेट वाटर मेलोन। क्यों बताओ यार, भैया को ये पसंद नहीं है, इतना इतना इसमें पानी होता है ना इसमें, अगर ये पूरा एक खा पूरा तो पहली बात खा ही नहीं पाएगा बंदा, अगर ये खा लेना आधा पेट भर जाता है और पानी की कमी पूरी कर देता है ये एक ही। मुझे ऐसे बीज पसंद नहीं है। ये भैया कह रहे हैं बीज, अबे बीज तो होंगे भाई, अब ऐसे तो पपीते में भी बीज होते हैं, निकल जाते हैं वो।
तो इसमें भी तो निकाल के खा ले, थूकना पड़ जाता है इसे निकाल के। कोई नहीं इसमें यार, जिस जिसको मस्त लगता है ना, एक लाइक का बटन जल्दी से जाके दबा दो और कमेंट में बता लिख देना कि मस्त लगता है मेरे को वाटरमेलन, है ना। भैया को पसंद नहीं है तो कोई नहीं, हम तो खाते हैं भाई, हम तो सब पीते हैं। और हाँ, एक बात मैं आपको एक और बताता हूँ कि आप सोचते होंगे कि हमेशा मैं इसी कमरे में क्यों वो लोग बनाता हूँ, इसी कमरे में क्यों स्टार्ट करता हूँ वो लोग। एक रीज़न है इसके पीछे, इसके पीछे की एक रीज़न ये है, जैसे कि सुबह हो तो वो तो चलो कहीं से भी कर सकता हूँ मैं, पर रात का क्या सीन रहता है, इस कमरे में ना लाइटिंग थोड़ी ज़्यादा है बाकी चौक और उस कमरे के मुकाबले, तो इस कमरे में मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि इस कमरे से मैं आपको वीडियो बनाऊँ या स्टार्ट करूँ, अगर शाम या रात को करना होता है। बाकी दोनों मैंने कहना है, देखो चौक में मैं जैसे जाऊँगा थोड़ा अंधेरापन रहता है तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा इस वजह से। और देखो ये खा के आ चुका है, और देखो यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग की थोड़ी कमी रहती है, जैसे कि एक ही यहाँ पे बल्ब है, इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं बनाता ना अंदर बनाता, उस कमरे में लाइटिंग थोड़ी ज़्यादा है इस वजह से मैं वहाँ पे बनाता हूँ, है ना भैया। मैंने आपको आज ये बात बताई दी कि आप सोचते होंगे कि हमेशा उसी कमरे से बनाते हैं वो लोग, पर यही एक रीज़न है और कुछ बाकी रीज़न नहीं है कि इसी कमरे से क्यों बनाता हूँ मैं। एक तरह से ये मेरा स्टूडियो है। हाँ कन्या, खा लिया, कैसा लगा, मस्त लगा? अरे क्या कर रहे हैं, मुझे ये मुँह से हाथ निकाल, हाथ धो लियो, ठीक है। और अब शाम हो गई है ना, शाम के बज चुके हैं 7, मम जी तो गई भाई मंदिर और भैया भी अब जाने वाला है। हाँ क्या हुआ, क्या कर रहा था? ये देखो फिसल गया थोड़ा, क्या हुआ? नहीं स्टंट नहीं करना। अच्छा ऐसे कर रहा था, स्टंट करेगा तो गिरेगा ना, सेफ्टी के साथ करा जाता है स्टंट। और ये देखो कन्या ने कैसे कर लिया, स्टंट करता ही रहता है कुछ ना कुछ, और फिर चोट लग जाती फिर रोता बड़ी जल्दी है। अरे मिनट मिनट में डांस करता है ये। गाइज अभी रात हो चुकी है और अपना खाना पीना भी कंप्लीट हो गया है, और अभी मैं एक काम करने लग रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, यहाँ पे भैया भी बैठा है और कन्या भी यहीं पे ही है, तो हम तीनों यहीं पे बैठे हैं देखो। और बेसिकली अभी कन्या के होली डोमबक मैंने काम दे रखा था, एक है एक्टिविटी जो कन्या को करनी थी और सुबह से हम करने वाले थे पर टाइम नहीं लग पा रहा था, और अभी खाना पीना खा के मैं कह रहा हूँ चलो अब करते हैं वो एक्टिविटी। क्या चीज़ है वो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, आपने भी वो जरूर से करा होगा, और आज मैं आपको अपने जब आप छोटे होंगे जब आपने करा होगा तो मैं उस टाइम में ले जाऊंगा आपको भी, जो मैंने भी कभी कराया, भैया ने भी कराया, सभी ने कराया अपने बचपन के टाइम पे। तो ये देखो ये वो चीज़ है, गिलास, दो गिलास है ये, यहाँ पे आपकी क्या बोलते हैं माचिस की तीली होगी और धागा होगा। और अगर आपको अभी तक पता नहीं चला तो मैं बता देता हूँ, ये वो चीज़ है जैसे कि आपने करा होगा ना, मैं बता रहा हूँ, एक तरफ मतलब एक तरफ से बोलते हैं और दूसरी तरफ कोई सुनता है, वो तार वाला जो फ़ोन जो पहले चलता था धागे वाला है ना जिसमें, ये तो बल्कि गिलास है, गिलास से तो और बढ़िया रहेगा, मैंने वो बताऊंगा मैं आपको, बोलो देखते रहना एंड तक कैसे कैसे बनाते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं करके देखा होगा कभी तो आज मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे बनता है, कभी ट्राई करके देखना और कभी बताना कि आपको आवाज़ आती है नहीं आती है ना। और बस अभी स्टार्ट करने वाले हैं, ये दो गिलास है और इन दोनों पर मैंने कर लिया है छेद नीचे से, कहीं अभी दिखा नहीं चाहता, ये देखो ना आपको दिख रहा है मैंने छेद कर दिया, और इसमें अब डालेंगे हम माचिस की तीली बांध के और उसके अंदर डाल देंगे एक दोनों तरफ। हाँ ठीक है चलो अब स्टार्ट करते हैं, और आप पूरा सिनेमैटिक में देखो बनते हुए। तो गाइज ये देखो फाइनली रिजल्ट आपके सामने है, और हमने पूरा बना दिया, मस्त लग रहा है देखने में, और बस अब इसको हम करेंगे टेस्ट और देखेंगे कि आवाज़ कैसी आ रही है, बढ़िया आ रही है तो मज़ा आ जाएंगे, और आवाज़ तो बढ़िया ही आएगी वैसे तो, मस्त करा हमने, मस्त बनाया, और कन्या की एक्टिविटी मिल रखी थी स्कूल में से, एक बार ये देखते हैं कि भैया बोलेगा, और जो इसका धागा है ना उसे स्ट्रेट रखना चाहिए, उसी से तरंग सही सीधी आएगी, तो अभी मैं देखता हूँ। हाँ और भैया भी बोलने लग रहा है, बोल झूठ के मत, मैं बोल रहा हूँ खींचना चाहिए अपने टैग रख। हाँ आ रही है आवाज़ आ रही है, हैं ये देखो अभी मैं बोल के दिखाऊंगा, हेलो 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 भैया आवाज़ आ रही है मेरी, हेलो 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 आवाज आ रही है, हेलो 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 पहले सुने एक बार, हेलो 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 आवाज आ रही है, हेलो 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 अब एक बार माँ से बोल और मैं
एक बार मैं आपको भी सुनाता हूँ, ठीक है, और आप भी सुनना, एक बार देखना। चल तो आपने आवाज सुनी होगी, कन्या बोलेगा तो आपने कन्या की और भैया की आवाज़ सुनी होगी कि कैसी आती है, वो तो मुझे पता नहीं, माइक में जब मैं एडिट करने जाऊंगा तब मुझे पता चलेगा कैसी आवाज़ आ रही है, तब पता चलेगा। तो गाइज मैंने आपको दिखाया कि कैसे कैसे बनता है, और कन्या की ये एक्टिविटी थी स्कूल में, और ये पूरी हमने कंप्लीट करवा दी। अब सही है, जब स्कूल खुल जाएगा ना तब ये अपने स्कूल में ले जाएगा और मैडम को दे देगा, या मैडम ने मंगाया था, जो भी करेगी मैडम वो सब स्कूल में जब हो जाएगा। तो बस, और मस्त लगा, आवाज़ आपने सुनी होगी, थोड़ी बहुत क्लियर नहीं होगी, पर वो जो आवाज़ थी ना वो भैया की थी, ओरिजिनल माइक से आवाज़ आ रही थी, वो जो आपने सुनी होगी। तो और भैया ने जो भी बोला है ना माइक के थ्रू, तो वो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ब्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और बस आपको तो समझदार हो, आप सब कर दोगे। और ये देखो दोनों मस्त बात करने लग रहा है, कन्या वहाँ से बोल रहा है, कन्या बोलेगा वहाँ से, कन्या बोलिए वहाँ से, वही भैया बोल रहा है गिरे। चलो मस्त लगा मेरे तो, और मुझे पुराने दिन याद आ गए जब मैंने भी खेलता था। तो गाइस ये हमने तो टेस्ट कर लिया, मैंने भैया और कन्या ने, और अगली वीडियो होगी वो अब घर वालों पे भी देखेंगे, हम टेस्ट करवाएंगे, मम्मी को भी सुनाएंगे आवाज़ कैसी लगती है, पाजी को भी सुनाएंगे, और मुझे तो मज़ा आ गया, और आप भी अपने पुराने दिनों में खो गए होंगे। और मैं आपको अगले व्लॉग में एक चीज़ और बताऊँगा कि मैंने ये तो गिलास से बनाया, पर मैं किससे बनाता था, वो भी मैं आपको अगले व्लॉग में बनाऊँगा, तो ज़रूर से जाके देख लेना, और अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना नहीं कराए तो। और मज़ा आ गया, और बस आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे, शायद जल्द ज़्यादा बड़ा व्लॉग हो गया, ख़त्म करेंगे, जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, मज़ेदार व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।